परमात्मा ने आपको सोच समझ करके आपके कर्म के अनुसार, जीवन के अनुसार आपको सही स्थान के ऊपर पैदा किया, सही परिवार दिए हैं, सही माता पिता दिए हैं, सही संस्कार मिल रहे हैं। बस कहीं भी रहो लेकिन भजन को दूर मत करो, भजन को मत छोड़िए आप लोग। जब आप लोग भजन को छोड़ोगे, भजन से दूर जाओगे, केवल मात्र भोजन के लिए जीवोगे, सांसारिक इच्छाओं पूर्तियों के लिए जीवोगे, तो आपने इस संसार में कुछ नहीं पाया। भागते रहो इच्छाओं के पीछे, लोगों के पीछे, धन के पीछे, माया के पीछे, संतान के पीछे दौड़ते रहो। दौड़ने के बाद भी आपके हाथ खाली मिलेंगे। कितना भी बड़ा राजा महाराजा, सुल्तान, सम्राट, जो भी आपने नाम सुने, जिसके अधीन बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, बहुत बड़े बड़े देश थे, कई कई देशों के ऊपर एक आदमी ने ही राज किया, क्या आज उनके वंशज हैं? कहाँ गए वो लोग? क्यों मिट गई उनकी सत्ताएं? क्या कोई आज उनको चाहने वाला है? लेकिन जिन्होंने भजन किया, सुमरण किया, उनको आज भी आप चाह रहे हैं। वो जब धरा के ऊपर थे तब भी और ऊपर भी उनका अलग स्थान है। जब आप दरबार में जाओगे आपको दर्शन हो जाएंगे, संतों को मिलते रहेंगे, क्योंकि संतों के दर्शन मिलन होता रहता है, ये दूर नहीं होता। कि आप समझो कि नहीं मिलेंगे संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप ध्यान करेंगे आपकी स्थिति मजबूत होगी, जब चाहोगे जिसको चाहोगे या तो मिलने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा होगी तो कोई रोक नहीं सकता, जब चाहोगे तभी मिल लोगे। हम अनुभव के आधार के ऊपर बोलते हैं, पुस्तकों के आधार के ऊपर नहीं। क्योंकि जब अनुभव होगा, अगर मुझे हुआ है तो आपको भी होगा। हम ध्यान के अंदर बैठे हुए थे, मुलाकात हुई नानक जी से, कुछ निशान थे चेहरे के ऊपर, अलग होता है वो सब कुछ। जैसा आप तस्वीरों में देखते हो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सामने सामने देखोगे वो अलग रूप होगा, वो साक्षात होगा, आमने सामने होगा, कल्पनाएं नहीं होगी। ये फिल्टर लगा लगा के पोस्टरों को तैयार नहीं किया जाएगा, वो रियल है, वो सब कुछ आमने सामने है। मुलाकात हुई लेकिन शब्द नहीं, क्योंकि बोलने की आवश्यकता उन्होंने भी महसूस नहीं की और हमने भी, बस मुलाकात हुई, रास्ते में इतना ही। तो आप जब ध्यान करोगे, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, जिनको आप पूज्य मानते हो, जिनको आप, जिनके चाहते हो कि हम दर्शन करें, जिनको चाहते हो कि उन संतों से हम शिक्षा ग्रहण करें, उन संतों के दिखाए मार्ग के ऊपर चले, तो आपको दूसरा कुछ सोचना नहीं चाहिए। बस ध्यान के ऊपर केंद्रित हो जाना है।
कुछ भी इधर उधर ना सोचना, ना विचार करना, यहाँ तक कि नाम भी पीछे रह जाएगा और आप ही आप होगे, ना शब्द होगा, ना इच्छाएं होंगी, न वाणी होगी, न मन होगा, ना प्रकाश होगा, ना अंधकार होगा। जब आप इस स्थिति में जाओगे तो कुछ खोना, पाना, लेना, देना, आना, जाना सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा ये सब कुछ जीवन से। जब आप अनुभव करोगे एक एक जो शब्द हम बोल रहे हैं, इस मार्ग के ऊपर चलने का प्रयत्न करोगे, आपको इस मार्ग से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आपका ये अधिकार है। जब परमात्मा ने मानव बना दिया, साथ में प्राप्ति का अधिकार दे दिया, तो आप परमात्मा का भजन कीजिए, सुमरण कीजिए। भजन में जो ताकत होती है उसका अनुभव कीजिए, क्योंकि अभ्यास से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। और आत्मा के तेज को अनुभव कीजिए, जिससे रोग, दोष, कर्म और जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं सब कटने लग जाएंगी। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।